श्वास श्वास और रोम रोम में समाया हुआ ओंकार। मेरा ना आदि है ना अंत, ना ओर है ना छोर, फिर भी मैं स्थूल नहीं सूक्ष्म हूं। मंथन में प्राप्त हुए अमृत को छल द्वारा पान करने के कारण न केवल राहु का शिरोच्छेद हुआ, प्रत्युत देवताओं को पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस सफलता का श्रेय भगवान शिव को देकर देवगणों ने उनका आभार व्यक्त किया। दूसरी ओर दक्ष की 27 कन्याएं चंद्र को पति रूप में पाने की इच्छुक हैं। स्थितिवश दक्ष चंद्र के माता पिता अत्रि व अनुसूया से निवेदन कर विवाह की स्वीकृति प्राप्त कर लेते हैं, किंतु विवाह संपन्न होने पर चंद्र केवल रोहिणी को ही मान्यता देकर शेष पत्नियों को रुष्ट कर देते हैं। स्वामी रोहिणी को लेकर कक्ष में चले गए, हमसे बात भी नहीं की। क्या हम बात करने के योग्य भी नहीं थे जो हमें बिना कोई आदेश दिए चले गए? ये क्या प्रिय, मिलन की इस बेला में जब चंद्र रोहिणी को अपने शीर्ष पर सजाने का इच्छुक है तो रोहिणी उससे छिटक रही है? क्या हम तुम्हें प्रिय नहीं? आप जैसे सुदर्शन पति को पाने के पश्चात भला कौन पत्नी ये कहेगी, किंतु आपका प्रेम व्यहन करते हुए मेरे मन में ऐसे भाव आ रहे हैं जैसे मैं अपनी बहनों का प्रेम अंश उनसे छीन रही हूँ। प्रिय, पत्नी होना एक धर्म है, प्रेमिका एक भाव। तुम्हारी बहनें मेरी पत्नी अवश्य हैं, परंतु मैं प्रेम केवल तुम्ही से करता हूं। कि रात्रि की बेला बातों में व्यर्थ गवाने के लिए नहीं है प्रिय, चलो विहार करें। अभी आपने कहा कि पत्नी होना एक धर्म है, इसी प्रकार पति होना भी एक धर्म है, और ये धर्म कहता है कि अपने प्रेम को सभी पत्नियों में समान रूप से वितरित किया जाए। किंतु आपने मेरी अन्य बहनों को प्रेम पिपासा में छोड़कर उचित नहीं किया, उनकी दशा उस चकोरी के समान हो गई है जो चंद्र के लिए हमेशा तड़पती रहती है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम सबसे अधिक प्रेम स्वामी रोहिणी को ही करते हैं। विवाह 27 दक्ष पुत्रियों के साथ और प्रेम केवल एक के साथ, ये तो सर्वथा अन्याय है। हाँ, अन्याय है। ये अन्याय असहनीय है, दुखदायी है। क्या हमारा जीवन पति प्रेम पाने के लिए इसी प्रकार तड़पता रहेगा? नहीं, पति प्रेम पाने के लिए हमें कोई ना कोई उपाय करना ही होगा, प्रयत्न करना ही होगा कि हम स्वामी के प्रेम पात्र बने, प्रेम पात्र अवश्य बने। तभी से तुम्हें प्राप्त करने की कामना में दग्ध हो रहा हूँ, जब तुम्हें प्रथम बार देखा था, और अब जब हम मिलन के इतने निकट हैं तो तुम तर्क पर तर्क किए जा रही हो। मैंने तो केवल इतना कहा कि पति रूप में अपनी अन्य पत्नियों की उपेक्षा करना आपका धर्म नहीं है। प्रेम, धर्म, कर्म, जात पात, रीति नीति कुछ नहीं जानता। प्रेम की परिभाषा तो सबसे निराली होती है, और यदि तुम इस परिभाषा का अर्थ जान जाओगी तो स्वयं कच्चे धागे की तरह मेरे पीछे पीछे खिंची चली आओगी।
हो गया। मेरी सबकी सब बहनें न जाने कहां चली गई। गई होंगी अपने पिता दक्ष के पास अपना दुखड़ा रोने। परंतु रोहिणी, उनके आंसू मुझे तुम्हारे प्रेम से विचलित नहीं कर सकते। अग्नि को साक्षी देकर हम सभी बहनों को चंद्र ने पति के रूप में वरा था, किंतु केवल वो रोहिणी पर अपना सारा पति प्रेम लुटा रहा है। हम अपनी उपेक्षा और अनादर नहीं सहन कर सकते माते। माना चंद्रदेव से हमारा संबंध नया ही जुड़ा है, हमारे नए जीवन का प्रारंभ हुआ है, परंतु इस नए जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। हम अभी तक पति सुख से वंचित हैं। रोहिणी तो हमारी बहन है, कम से कम उसे तो अपनी बहनों के दुख और व्यथा के विषय में सोचना चाहिए। हमारा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया है पिताश्री। पति से उपेक्षित पत्नी की स्थिति उस विधवा से भी हीन है, जो अपने पति को खोने का दुख धीरे धीरे संजो लेती है। ऐसी अशुभ बातें मत करो पुत्रियों। तुम्हारे पिता इस स्थिति को सामान्य कराने का अवश्य प्रयास करेंगे। तुम्हारी माता ठीक कह रही है पुत्री, चंद्र पर केवल रोहिणी का अधिकार नहीं। मैं चंद्र को समझाकर तुम सभी को पति प्रेम का न्यायोचित भाग अवश्य दिलवाऊंगा। धर्म पत्नी होने का यह तात्पर्य नहीं कि मांग में पति के नाम का सिंदूर सजाए हुए सारा जीवन पति के प्रेम को तरसते हुए ही बिता दिया जाए। पत्नी धर्म के साथ साथ पति धर्म भी जुड़ा हुआ है, और वो ये कि तन मन व्यवहार सदाचार हर प्रकार से पति अपनी पत्नी को सुखी करे। किंतु आपके पुत्र चंद्र ने अपनी 26 पत्नियों की उपेक्षा विवाह की प्रथम रात्रि को ही कर दी। यह वास्तव में दुख का प्रसंग है। जब राजा दक्ष विवाह प्रस्ताव लाए थे उस समय तुम अत्यंत प्रसन्न हो रही थी, किंतु मैंने कहा था कि चंद्र का चंचल स्वभाव क्या सभी पत्नियों के प्रति
उसे न्याय करने देगा? मन में ऐसी संशय के रहते हुए मैं तनिक असमंजस में था, किंतु आपके आग्रहपूर्ण प्रस्ताव और अनुसुईया की प्रसन्नता को देखते हुए मैंने आपका विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। मैं चंद्र को बुलाता हूं। चंद्र आगच्छ, आगच्छ, आगच्छ। पिताजी ने हमें स्मरण किया है, चलो चलते हैं। प्रणाम पिताश्री। रोहिणी, अत्यंत लज्जा और खेद का विषय है, एक और तुम्हारी सहविवाहिता बहने पति से उपेक्षित अश्रु बहा रही हैं, और एक तुम निर्दच अकेले ही पति प्रेम में विभोर हो रही हो। पिताश्री, मुझे अत्यंत दुख है, किंतु यदि ये सच है रोहिणी कि तुम्हें इस बात का दुख है, तो अपनी बहनों के साथ न्याय होने तक तुम्हें अपने पति के साथ रहने का कोई अधिकार नहीं। आप इनसे पूछिए पिताश्री, अपनी बहनों के साथ भी समान भाव से पतिधर्म निभाने की बात मैंने इनसे कही थी, किंतु ये ठीक है, ये जैसा उचित समझे, किंतु तुम मेरे साथ दक्ष महल चलोगी अभी इसी समय। किंतु पिताश्री, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता रोहिणी। पिता के लिए सब संतान बराबर होती है, उनके दुख सुख बराबर होते हैं, फिर मैं ये कैसे सहन कर सकता हूँ कि एक पुत्री तो प्रेम के हिंडोले में पेंगे बढ़ाती जाए और शेष सुहागने होते हुए विधवाओं का सजीवन व्यतीत करें? नहीं, देवी अनुसुईया, ऋषिवर, आप मुझे रोहिणी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दें। आपने जो सोचा वही उचित है, क्यों स्वामी? मैं भी राजा दक्ष के विचार का समर्थन करता हूँ। रोहिणी, दक्ष महल के लिए प्रस्थान करो। जैसी आपकी आज्ञा। चलो रोहिणी। रोहिणी पर तुम्हारा ऐसा उत्कट प्रेम था तो तुम्हारा मात्र उसी से विवाह करना उचित था, किंतु अब जब तुम्हारी 27 पत्नियां हैं तो तुम्हें सभी को अपने प्रेम का दान देना होगा। प्रेम तो हृदय से उत्पन्न होता है, और मेरे हृदय पर तो मेरा अधिकार ही नहीं रहा। वो तो तभी रोहिणी का हो गया था जब मैंने उसे प्रथम बार देखा था, और अब तो मेरे हृदय और मेरी आंखों में केवल रोहिणी की ही छवि है। रोहिणी से मेरा मिलन शीघ्र ही करा दीजिए, हे शिव शंकर। अश्विनी, फाल्गुनी, पुत्रा, रोहिणी, चंद्र ने तुम लोगों के साथ जो कुछ किया है उसका प्रायश्चित अब ये रोहिणी करेगी। रोहिणी, हम इसे चंद्र से दूर ले आए हैं। पिताश्री, तुम्हारा दुख मेरा दुख है बहनों, मैं तो तब भी विवश थी और अब भी विवश हूँ। रोहिणी, हम तुम्हें दुखी देखना नहीं चाहते, बस सिर्फ हम न्याय चाहते हैं। जब तक रोहिणी चंद्र के पास रहेगी तुम सबको न्याय नहीं मिल सकता, इसलिए हम रोहिणी को यहाँ ले आए हैं। ये आपने ठीक नहीं किया स्वामी, अपने जमाता चंद्र को दुखी करने का आपको कोई अधिकार नहीं। महारानी, तुम हमारे अधिकार को चुनौती नहीं दे सकती, हम दक्ष प्रजापति हैं, प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति के सुख का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है, तो फिर क्या हम अपनी पुत्रियों के सुख से आंखें फेर लें? ये कदापि नहीं हो सकता महारानी, कदापि नहीं हो सकता। तुम उनके पास लौट जाओ रोहिणी बहन, हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ साथ वे भी दुखी हों। नहीं, जब तक चंद्र अपने अन्याय के लिए क्षमा मांगकर तुम सबको समान प्रेम देना स्वीकार नहीं करता, रोहिणी यहाँ से नहीं जाएगी। आप तो जानते हैं हमारी जमाता चंद्र कितने भावुक हैं।
जरा सोचिए तो, आपने उनके साथ जो किया उससे उनके हृदय को कितना आघात पहुंचा होगा। हम पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं होगा महारानी। एक अन्यायी को उसके अन्याय का दंड मिलना ही चाहिए। लेकिन महाराज, क्या हम इसके लिए शिव जी से सहायता नहीं? महारानी, ये हम बहुत सुन चुके हैं, किंतु हमारा निश्चय अटल है कि हम शिव से किसी प्रकार की सहायता मांगने नहीं जाएंगे। तो फिर आप अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाकर विनती कीजिए कि वे स्वयं शिव जी के पास जाकर अपनी पौत्रियों को दुर्भाग्य की छाया से बचाएं। इन कन्याओं के पितामह होने के नाते उनका भी कुछ कर्तव्य है।